नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर अभी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको पर्यावरण पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल विकास, गणित, सभी जो विषय हैं फर्स्ट पेपर के, उन सभी के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो अभी हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो हिंदी पेडागोजी के यहां पर कि आपको यहां पर 50 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 50 प्रश्न टोटल। देखिए यहां पर हमने कितने प्रश्न लिए हैं, 600 प्रश्न लिए हैं, और हम कहां तक पहुंच गए हैं, 150 प्रश्न तक, यानी कि तीन पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, तो आपको स्किप नहीं करना है। 150 प्रश्न हम पहले से ही आपको दे चुके थे, वो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, सभी वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएगी। तो हिंदी पेडागोजी के यहां पर 50 प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहां पर देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। देखिए चार विकल्प है और सही कथन का आपको चयन करना है कि सही कथन कौन सा होगा। प्रथम भाषा के बारे में पूछा गया है कि प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा अर्जन एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है, या फिर प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। अगर प्रथम भाषा पूछी गई, यानी मातृभाषा के बारे में पूछा गया है, मातृभाषा के बारे में, तो जो मातृभाषा है ये कहां से प्राप्त की जाती है, तो जो मातृभाषा है दोस्तों ये अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, अपने आप आती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद वायगोत्सिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। वायगोत्सिकी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, इनके अनुसार आपको बताना है क्या संबंधित है। प्रक्रिया लेखन है, बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर आत्मसातीकरण और समायोजन। देखिए आपने ZPD का नाम सुना होगा, ZPD इसके बारे में आपको पता भी होगा, तो किसके द्वारा दिया गया है, वायगोत्सिकी के द्वारा दिया गया है। उसे क्या कहा जाता है, इसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आत्मसाती और समायोजन पूछे तो ये जिन प्याजे के द्वारा दिए गए, जिन प्याजे है ना, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए वाक्य विन्यास होगा, अर्ध तत्व होगा, रूप विधान होगा, या फिर स्वनिम होगा। तो देखिए भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछी गई, ध्वनि की है ना, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, स्वनिम होगा। क्या होगा, स्वनिम। इसे फोनिम भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में फोनिम भी कहते हैं, और हिंदी में इसे ध्वनिग्राम और स्वनग्राम है ना। यदि स्वनिम ना दे तो फोनिम वहां पर विकल्प में होगा, या फिर ध्वनिग्राम या फिर स्वनग्राम होगा, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यह भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, रोहित जो है वो 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनि बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों आते हैं। देखिए कितने माह का है, सिर्फ वो 7 माह का है, लेकिन वो जो ध्वनि बोलता है उसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है। वहां निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है, यहां पर आपको बताना किसके माध्यम से वो संप्रेषण कर रहा है, किलकारी मारना, स्वनिम, भाषा विद्वाचन, या फिर बलबलाना। देखिए रोहित सिर्फ 7 माह का है, तो किस संप्रेषण कर रहा है, किस प्रकार का, तो वो बल बलाने वाला संप्रेषण कर रहा है, यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, ये किससे संबंधित है, ये जो है संबंधित किससे है, सापिर बोर्स परिकल्पना से है, भाषिक संबद्धता से, भाषा समाजीकरण से, या फिर भाषा अर्जन से। देखिए यहां विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, तो ये किससे संबंधित होता है, भाषा अर्जन से होता है, किससे होता है, भाषा अर्जन से, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वह शैक्षिक प्रक्रिया जिनके शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपने मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, वो क्या कहलाती है। यहां पर देखिए अतिरिक्त भाषा दी हुई है, दूसरी भाषा के बारे में यहां पर नहीं पूछा गया है, तो याद रखिएगा दूसरी भाषा पूछी जाती तो वह द्विभाषी शिक्षा होती, लेकिन यहां पर पूछा गया है अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते, यानी कि यहां पर भाषा कितनी प्रकार की भाषा है उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो बहुभाषी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है,
बहुभाषी शिक्षा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्किनर की यहाँ राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं या फिर बुरी तरह असफल हो जाते हैं। देखिए स्किनर की राय आपको बताना है कि बच्चे अक्सर जो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो किससे सीखते हैं, तो याद रखिएगा वो हमेशा वयस्कों की नकल करते हैं, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पियाजे द्वारा यहां सुझाव दिया गया है कि बच्चे रिक्त स्थान के माध्यम से भाषा सीखते हैं, किसके माध्यम से भाषा सीखते हैं, लेखन एवं वाचन, प्रयास एवं त्रुटि, आकार या फिर आत्मसातीकरण तथा समायोजन। देखिए ज्यादातर जो प्रश्न है पियाजे के वो आपके आत्मसातीकरण तथा समायोजन से संबंधित मिलेंगे और यही आंसर आपका होगा। अब देखिए यदि आप पियाजे से संबंधित यदि पढ़ेंगे पियाजे के बारे में, तो वहां पर आपको समावेशन देखने को मिलेगा, अनुकल देखने को मिलेगा, आत्मसातीकरण और समायोजन। तो ये होता क्या है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने पहले वीडियोज बनाए हैं, चाहे वो आप हिंदी पेडागोजी ले लीजिए, पर्यावरण पेडागोजी ले लीजिए, बाल विकास ले लीजिए, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये होता क्या है, देखिए आत्मसातीकरण तथा समायोजन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए समावेशन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और जैसे कि मैंने समायोजन के बारे में बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं समायोजन की, है ना, एक बार मैं समझा देता हूं उसके बाद याद रखिएगा, वैसे तो मैं पहले भी समझा दिया हूं पर फिर एक बार और दोहरा देता हूं। समावेशन क्या होता है, देखिए समावेशन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, संशोधित, है ना, संशोधित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो अनुकूलन बच्चों की दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है और वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, या कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार है ना, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब बात करते आत्मसातीकरण, जो कि आपके विकल्प में दिख रहा आत्मसातीकरण किसे कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपोर्टेंट है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, कोई जो पहले वाला जो ज्ञान होता है उसमें कोई नया ज्ञान एड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। एक और आता है आपका समायोजन। अब समायोजन किसे कहते हैं, तो समायोजन जब बालक अपने पूर्व स्कीमा यानी कि जो पूर्व ज्ञान है अर्थात ज्ञान में, है ना, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे समायोजन कहते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये मैंने चार पॉइंट बताए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के किस तरह के नमूने सीखने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं, आत्मसातीकरण कहलाते हैं, संरचना कहलाते हैं या फिर समूह अधिगम कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं ये बताना। देखिए भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वो क्या कहलाते हैं, संरचना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरचना, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बुनियादी, बहुभाषिकता, द्विभाषा या फिर सटीकता। देखिए अतिरिक्त द्वितीय भाषा यहां पर दिया हुआ है, द्वितीय भाषा किसे कहते हैं या फिर द्विभाषिकता, है ना, ये किसे कहते हैं, यदि आपको ये पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, द्विभाषिकता। किसी बच्चे में दो भाषाओं के बोले जाने वाले जो कौशल उसके पास प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, द्विभाषा, यानी कि जो बच्चा दो भाषा बोलता है उसे क्या कहते हैं, द्विभाषिकता। तो यहां पर देखिए अतिरिक्त द्विभाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या कहलाता है, द्विभाषिक या फिर द्विभाषिकता कहलाता है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में केवल एक भाषा का प्रयोग होता है, तीन से अधिक भाषा का, दो भाषा का या फिर किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अभी मैंने आपको बताया द्विभाषिक किसे कहते हैं, जिसमें दो भाषा का प्रयोग होता है, तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे
कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? देखिए सर्वाधिक रूप से भाषा कब अर्जित करते हैं किसके अनुसार बताना है? स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बताना है। कौशलों का अभिनय करते हैं, नकल करते हैं, संकेत एवं सहारा देने पर आकार के अनुसार, पठन एवं लेखन के माध्यम से या फिर बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। तो स्किनर के सिद्धांत के अनुसार थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि नकल करते हैं वयस्कों की, किसकी नकल करते हैं? वयस्कों की नकल करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो वयस्कों की नकल करके संकेत एवं सहारा देने पर आकार के अनुसार ये सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? शेखर वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पशु एवं मानवीय संप्रेषण। यहां पर देखिए पशु एवं मानवीय संप्रेषण के बारे में पूछा गया है, इनके मध्य महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो पशु भावनाएं संप्रेषित करते हैं, मानव भाषाएं संप्रेषित कर सकते हैं। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं या फिर मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो यदि आपने आंसर की देखी होगी सीटेट की, तो वहां पर आंसर दिया होगा पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यह आंसर सही होगा। इससे जो बेटर आंसर होगा वो होगा आपका मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकती, मानव कहीं प्रकार से अपनी भावनाएं जो संप्रेषित कर सकती है, अपनी भाषा के माध्यम से बता सकती है। इससे अच्छा जो बेटर विकल्प लगा मुझे सेकंड वाला लगा तीसरे के विकल्प के अनुसार, तो मुझे लगता है कि इसका सेकंड वाला विकल्प सही होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। आप यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही मान सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, दो में बांटना, आत्मसातीकरण या फिर निकटस्थ विकास। तो देखिए निकटस्थ विकास तो होगा नहीं, ये किसका ZPD मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। तो पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि पहले से उपस्थित किसी विचार, देखिए अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में बताया था, समावेशन के बारे में बताया था, अनुकूलन के बारे में, आत्मसातीकरण के, समायोजन के, ये इसी चारों में से एक आपका आंसर होगा। अब क्या होगा ये आपको देखना है। समायोजन होगा, दो में बांटना होगा, आत्मसातीकरण होगा। देखिए यहां पर एक और आपको बता दूं कि दूसरा वाला विकल्प नहीं होगा। अब आपको बताना है कि पहले और तीसरे में से कौन सा विकल्प सही होगा। पहले आप बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करना क्या कहलाता है या फिर परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब बालक अपने पूर्व स्कीमा या फिर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे समायोजन कहते हैं। और इसमें भी क्या किया जा रहा है, किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए, समाकलित हो रहा है और साथ में परिवेश में बदलने की प्रक्रिया, तो क्या कहलाता है? वो समायोजन कहलाता है। आत्मसातीकरण मैंने आपको क्या बताया था, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया को आप आत्मसातीकरण कह सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, उसमें समाकलित किया जा रहा है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? घर की भाषा के साथ साथ पूछा गया है, यानी कि दूसरी भाषा के बारे में पूछा गया है। प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, संकेत भाषा सिखाई जाती है या फिर सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। देखिए इसमें प्रथम भाषा के बारे में तो जिक्र प्रश्न में ही कर दिया है, प्रथम भाषा के बारे में, तो हम द्वितीय भाषा की तरफ चलेंगे और द्वितीय भाषा होगा आपका सही आंसर। द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, विचार किसने प्रतिपादित किया है? देखिए यहां पर एक परिभाषा दी हुई, परिभाषा ये आपको बताना है ये किसके द्वारा दी गई है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरणों नियमों के एक समूह के रूप में होती है या विचार किसका है या परिभाषा किसकी, यहां कथन किसका है, स्किनर का है, वाटसन का है, यहां पर वाटसन नहीं वाटसन लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, लेव वाइगोसी का है या फिर नाम चॉम्स्की का है? तो याद रखिएगा सही आंसर आपका यहां पर होगा ये नाम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया कथन या फिर विचार है इनका कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यहां विचार नाम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? यहां पर देखिए ZPD से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर होता है,
भाषा में प्रभा जो बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं या फिर दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। यहाँ पर विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा गया है और आंसर आपका होगा बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच के अंतर को आप क्या कहते हैं निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों के मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना रिक्त स्थान का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए मौखिक भाषा को विकसित करने की सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना रिक्त स्थान कौन सा महत्वपूर्ण घटक है उसके बारे में पूछा गया। प्रक्रिया लेखन उपागम गहन पठन उत्पादन लेखन उपागम या फिर प्रारंभिक शिक्षा। तो यहां पर देखिए मौखिक भाषा बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने की सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण घटक आपको बताना होगा और महत्वपूर्ण घटक क्या होगा आपका प्रारंभिक साक्षरता होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया ध्यान दीजिएगा निर्माण की रणनीति नहीं है, है ना। शब्द में संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना वर्णों की रूपरेखा बनाना शब्दों के भागों का विश्लेषण करना या फिर संबद्धता स्थापित करना संबद्धता स्थापित करना। देखिए यहां पर जो निर्माण की रणनीति है वो संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना है वर्णों की रूपरेखा बनाना है साथ में शब्द के भाषा का विश्लेषण करना भी लेकिन संबद्धता स्थापित करना ये जो शब्द संपदा है निर्माण की रणनीति नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेखन क्या है। एक उत्पादक कौशल है विशिष्ट विधा तक सीमित है एक ग्रहणशील कौशल है या फिर रेखी कौशल है लेखन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जो लेखन है वो क्या होता है एक उत्पादक कौशल होता है। क्या होता है एक उत्पादक कौशल होता है पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया ध्यान दीजिएगा हमेशा प्रश्न को कि क्या पूछा गया पॉजिटिव पूछा गया या फिर नेगेटिव। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और किसके संबंधित पूछा गया मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता को नहीं करता है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए दीवारों पर कहानियां के चार्ट लगाना बिल्कुल करता है कक्षा में पठन कोना सृजित करना यह भी करता है कक्षा में विद्यार्थियों की रचना प्रदर्शित करना यह भी करता है लेकिन कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना ये मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायक नहीं करता है या फिर नहीं होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है भाषाधिगम में बोधगम निवेश का क्या अर्थ है। देखिए बोधगम निवेश का अर्थ यहां पर आपसे पूछा गया है क्या है भाषा अधिगम में बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतर अवसर उपलब्ध कराना कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना या फिर कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। 172 का आंसर आपको बताना है बोधगम निवेश का अर्थ आपको यहां पर बताना है क्या होता है। सही आंसर होगा आपका बच्चों के ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो इसे क्या कहा जाता है बोधगम निवेश कहा जाता है पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम। देखिए समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है कि समग्र भाषा उपागम क्या होती। देखिए दो और तीन विकल्प दिए हुए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। तो समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है बिल्कुल सही है बिल्कुल करती है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। तो देखिए ये वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ नहीं करते हैं बी वाला विकल्प आपका यहां पर गलत होगा। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित होती बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो समग्र भाषा उपागम है रचनावाद पर आधारित है तो ए और सी सही है और बी गलत है। तो यहां पर आप देखेंगे किस विकल्प में है ये यहां पर देखिए दूसरा वाला विकल्प ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ होता है क्या अर्थ होगा या कह सकते हैं कि यदि आप किसी पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं है ना पठन सामग्री में है क्या यहां जानने के लिए पठन में रुचि उत्पन्न करते हैं विशिष्ट सूचना है इसलिए पढ़ रहे हैं या फिर पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप बारीकी से कब पढ़ेंगे पठन सामग्री जब उसमें किसी विशिष्ट सूचना प्राप्त होगी या फिर विशिष्ट सूचना होगी तब आप उसको बारीकी से पढ़ेंगे है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के
उच्चारण लिखा हुआ यहां पर, उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है, मौन पठन करता है। देखिए शिक्षार्थियों के उच्चारण शब्द, उच्चारण तथा शब्द संपदा के बारे में पूछा गया है कि इसके निर्माण में कौन सहायता करता है, मौन पठन करता है। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन करता है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर या फिर सरसरी तौर पर पढ़ना। देखिए सरसरी तौर पर पढ़ना हो नहीं सकता, उच्चारण है तो मौन पठन भी नहीं हो सकता, और ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए एक ही जो मैंने आपको चार बताए थे, समावेशन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन, एक ही वीडियो में या कह सकते हैं कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न बार बार आ चुके हैं उनसे संबंधित। तो यहां पर आपको पता होगा कि अनुकूलन और समायोजन किसके द्वारा दिए गए, तो आप यहां पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं, जिन प्याजे के द्वारा, है ना। तो जिन प्याजे के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कक्षा एक का कबीर है ना, शांति शब्द, कबीर जो है वो कक्षा एक में है, लेकिन शांति शब्द सुनकर वो क्या कहता है? शांति कहता है, डांति कहता है, कभी मानती कहता है, जैसे निर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यानी कि मजे ले रहा है, उसको पता है शांति शब्द होता है, लेकिन उसको क्या कह रहा है, वो शांति कह रहा है, कभी डांति कह रहा है, कभी मानती कह रहा है, तो निर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, तो ऐसा नहीं, उसको पता है क्योंकि वो मजे ले रहा है ना, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। वहां ध्वनात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, देखिए वहां ध्वनात्मक है ना, ये आपको सही विकल्प होगा, वहां ध्वनात्मक जागरूकता यहां पर विकसित कर रहा है। दो विकल्प आपके गलत होंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड वाला विकल्प ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते इसको, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा तीन का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है ना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? देखिए जो कक्षा तीन का बच्चा है, गीत है ना, वो कुछ व्याकरणिक त्रुटियां के साथ वाक्य लिखता है, जो वाक्य लिखता है उसमें क्या होती है, व्याकरणिक त्रुटियां होती है, तो आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में आपको बताना है, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखेंगे, तो ये कर सकते हैं लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहेंगे, तो वो जब उसको पहले से ही पता नहीं है तो सही कैसे करेगा, तो ये भी आपका गलत होगा। गलतियों को रेखांकित करना करेंगे और गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहेंगे, देखिए ये आपके विकल्प सही होगा, आप रेखांकित करेंगे साथ में गलती की प्रकृति लिखकर, यानी कि किस प्रकार की गलती की है और क्या गलती की है, उसके बाद आप शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहेंगे, तो तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा, बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से, तो ये भी आपका गलत होगा। सही क्या होगा आपका? तीसरा वाला विकल्प सही होगा। जो सबसे चार विकल्प रहते हैं उसमें जो सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा, जो सही सटीक आंसर होगा उसी पर आपको टिक करना है ना, लगेगा आपको पहला वाला विकल्प भी, ये गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उनके ऊपर सही रूप से लिखना, लेकिन इसमें सबसे सही उत्तर यानी कि उससे अच्छा उत्तर कौन सा होगा आपका? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? देखिए माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? लक्ष्य भाषा को सीखने के बाधक सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किल पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, फिर किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो यहां पर 179 का सही आंसर क्या होगा आपका? एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, या फिर संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। यहां पर पूछा गया है व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है हिंदी का, है ना, तो सही आंसर आपका क्या होगा यहां पर? पठन सामग्री साथ में संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके आप भाषा का व्याकरण सबसे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? पहला वाला होगा। अगला प्रश्न,
एक शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। देखिए, जो शिक्षक विद्यार्थी को किसमें मदद करना चाहता है, शब्दावली सीखने में, तो कहानी और चित्रों का प्रयोग करेगा, दोरा का प्रयोग करेगा, लिखित अभ्यास का प्रयोग, या फिर पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है शिक्षक विद्यार्थी को, तो सबसे प्रभावशाली तरीका पूछा गया, और सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हुआ, कहानी और साथ में चित्रों का प्रयोग करके। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य, यहां पर बहुभाषावाद शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है सीधा सीधा क्या होगा। शिक्षण अधिगम के लिए अभ्यर्थी की भाषा का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शाखी भाषाओं का उपयोग करना, या फिर नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। बहुभाषावाद शिक्षा का उद्देश्य यहां पर आपको बताना है क्या होगा, तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंग को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। देखिए, बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का जो कौशल है उसे क्या कहते हैं, अनुमानिक कहते हैं, वैश्विक कहते हैं, स्थानीय कहते हैं, या फिर लेनदेन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने के कौशल के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर अनुमानिक कहते हैं, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित, देखिए भाषा से संबंधित पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा। एक तत्व का सिद्धांत है, पर एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, और भी जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपरली, एक ट्रिक भी बनाई हुई है, इससे संबंधित प्रश्न भी लिए गए हैं, यानी कि दोनों तीनों वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, उनको देख लीजिएगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर बुद्धि भाषा से संबंधित है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ के अनुसार आपको बताना है। प्रभा सटीकता है, भाषाई मौखिक है, शब्दावली व्याकरण, या फिर दृश्यात्मक स्थानीय है। देखिए, भाषा से संबंधित पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर भाषाई मौखिक बुद्धि। यहां पर बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में जो भाषाई मौखिक बुद्धि है यह भाषा से संबंधित है, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। देखिए, बहुभाषावाद के लाभ आपको बताना है क्या हो सकते हैं, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण है, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान है, सीमित रोजगार के अवसर, या फिर पराभाषिक जागरूकता है। तो यहां पर बहुभाषावाद के लाभ आपको कूट में बताना है क्या होगा। तो देखिए, सही आंसर आपका क्या होगा, सीमित रोजगार के अवसर तो होगा नहीं, आपका होगा समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, साथ में पराभाषिक जागरूकता, यानी पहला, दूसरा और चौथा। तो चौथे वाले विकल्प में आप देखेंगे तो चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार यहां पर पूछा गया है, जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करती है या फिर करता है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए सर्व नहीं है, या कह सकते यहां पर ना तो वो बोल रही है ना लिख रही है, तो यहां पर बोलेगी तभी तो किसी को सुनाई देगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका सही आंसर आप चयन कर सकते हैं इसी के माध्यम से, तो उसके वाचन को आप क्या कहेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। देखिए, आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, या फिर आत्म केंद्रित भाषण। देखिए, निजी भाषण तो हो नहीं सकता, सामाजिक भाषण भी नहीं हो सकता, यहां पर क्या हो सकता, आंतरिक भाषण और आत्म केंद्रित भाषण, इन दोनों में ही आपका सही आंसर छुपा हुआ है। तो वो जो बच्ची है वो भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य तो कर रही, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या कर रही है, आंतरिक भाषण, अंदर ही अंदर वो अपना कार्य कर रही है, तो यहां पर आंतरिक भाषण आपका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की कोई सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, अर्थ विज्ञान है, उपयोगिता विज्ञान है, आकृति विज्ञान है, या फिर स्वर विज्ञान है। राइट आंसर आपका क्या होगा, 187 का राइट आंसर होगा, देखिए भाषा विज्ञान की कोई शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है, तो वो है उपयोगिता विज्ञान। क्या है, उपयोगिता विज्ञान, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में, देखिए पूछा क्या गया है, इस पर ध्यान देना है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में पूछा गया है, कथन आ
और कथन ब पर आपको विचार करना है और कूट में आंसर देना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला कथन हम पढ़ेंगे, पहला कथन है और ये कथन ब है। शैशवावस्था से बच्चे की वॉक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, ये कथन सही है या फिर गलत है ये बताना है। कथन ब, ये कथन यहां पर लिखना था, कथन ब, ये आ है और ये बा है। 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची जो तरह तरह के बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाना में संलग्न है, तो आ और बा में आपको देखना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो हम पहले विकल्प पे चलते हैं, कथन आ पर। शैशवावस्था से बच्चे की वॉक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती, बिल्कुल सही है, जानवर की तरह अधिक होती तभी तो वो बच्चा बोल नहीं पाता है ना। ये जो नली होती है वयस्क मानव की तुलना में कैसी होती है, बड़ी होती है, यानी कि उससे जानवर की तरह अधिक होती है ये कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, तुतलाता रहता है। तो ये जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा विकल्प है आपका, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाना में संलग्न होती, तो 6 से 12 महीने में बिल्कुल सही है। तो यहां पर आ और बा दोनों विकल्प आपके सही होंगे, तो दोनों कहां पर है ये देखेंगे अपन। तो यहां पर तीसरे वाले विकल्प में आ और बा दोनों सही है, आ और बा दोनों सही है, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक बोली मानव बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती, मानक बोली का दर्जा पाने के लिए कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है एक बोली को, चयन, सहिष्णुताकरण, उद्देश्य का निर्माण, चयन, स्वीकृति, सहिष्णुताकरण और उद्देश्यों का निर्माण, चयन, उद्देश्यों का निर्माण, सहिष्णुताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, सहिष्णुताकरण और उद्देश्यों का निर्माण, किस चरणों से गुजरना पड़ता है एक बोली को मानक बोली का दर्जा पाने के लिए। 189 का सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उसका चयन के साथ साथ सहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण, ये तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है एक बोली को मानक बोली का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहां पर भी उसी तरह का प्रश्न पूछा गया है, 190 बोली के संबंध में कथन आ और बा दिए हुए हैं, किसके संबंध में, बोली के संबंध में कथन आ और कथन बा है ना, कथन बा। अब दोनों में सही कौन सा है ये आपको बताना है। किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, और बा कथन है आपका कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो सही कौन सा है और गलत कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल सही है, एक प्रकार जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। दूसरा वाला विकल्प, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है, तो बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका, पहला वाला विकल्प। तो इसका मतलब है कि आ वाला विकल्प सही है और बा वाला विकल्प गलत है। तो ये किस में होगा आपका, पहले वाले विकल्प में आ सही है और बा गलत है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, फिर वही प्रश्न दे दिया गया है यहां पर, देखिए, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से बोला जा रहा है कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 पर है, क्या अब हमें चलना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, भाषण से इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाएगा। देखिए, पत्नी से किस प्रकार से बात की जा रही है, सहकर्मी से किस प्रकार से बात की जा रही है, और जो उसके वरिष्ठ नियोक्ता है उससे किस प्रकार से बात की जा रही है, इसके बारे में पूछा गया है, इस भाषण के बारे में पूछा जा रहा है कि भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है, शुद्धतावादी के रूप में, स्तर भिन्नता, रजिस्टर या फिर मुहावरेवाद, किस भिन्नता, किस यहां पर बताना है कि भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा, देखिए, ये जो भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाएगा, रजिस्टर रूप में जाना जाएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए,
जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यहां विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत, वाइगोसिकी का सिद्धांत, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत या फिर फ्रेसन का सिद्धांत? किस सिद्धांत पर आधारित है यहां विचार? तो राइट आंसर आपका होगा यहां सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? वाइगोत्स्की के। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, या फिर उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासन होने की अपेक्षा करेंगे, आप क्या करेंगे यह आपको बताना है। देखिए, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि कोई विद्यार्थी है वो अनुचित व्यवहार करेगा तो क्या करेंगे? आप उससे बात करेंगे, है ना, क्या करना चाहिए आपको? उससे बात करना चाहिए। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? शिक्षणात्मक उपागम में, अंतःक्रियात्मक उपागम में, सृजनात्मक उपागम में या फिर निवेश उपागम में? यहां पर उपागम लिखा हुआ है, तो किस रूप में जाना जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर मान्यताओं का महासमूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है वो किस रूप में जाना जाता है, वो संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए देखिए, यहां पर भी आपको दो विकल्प दिए हुए, दो कथन दिए हुए हैं, अ और बा। बताना किससे संबंधित है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में आपको बताना है कि सही कथन क्या हुआ संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में। कथन अ क्या कहता है, कथन ब क्या कहता है? अ कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यता वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है, या फिर शिक्षार्थियों को सीखने में व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। यहां पर सही कौन सा है और गलत कौन सा है, या फिर दोनों सही है, इसके बारे में आपको बताना है। किसके संबंध में पूछा गया है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, शिक्षक की भूमिका जो है वो सामान्य वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय क्या होनी चाहिए, एक संसाधन या फिर मॉनिटर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, देखिए संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरे कथन पर हम चले कि शिक्षार्थी को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। तो ब वाला विकल्प आपका गलत होगा। तो आ सही है और ब गलत है, आप पहले वाले विकल्प में देखेंगे तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यहां परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषी के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, यहां पर पूछा गया है कि शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है, प्रश्न में यह पूछा गया है। एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप बाधा के रूप में, एक खुशनुमा सहयोग के रूप में, या फिर जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में, शुरुआती दौर में पूछा गया है। तो 196 का सही आंसर होगा कि शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को हस्तक्षेप या फिर बाधा के रूप में जाना जाता था। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसलैंग्विजिक। देखिए, ट्रांसलैंग्विजिक से क्या तात्पर्य है? देखिए, ट्रांसलैंग्विजिक एक इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा अनुवाद, है ना, ध्यान देना है और ये पता भी होना चाहिए आपको, भाषा अनुवाद। ट्रांसलैंग्विजिक से तात्पर्य आपको बताना है या फिर भाषा अनुवाद से तात्पर्य बताना है क्या होता है? पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बलन करना होता है। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना होता है। विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना होता है, या फिर द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली होता है। यहां पर ट्रांसलैंग्विजिक या फिर भाषा अनुवाद से क्या तात्पर्य बताना है? तो राइट आंसर होगा आपका, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना होता है, यह भाषा अनुवाद का तात्पर्य होता है, या फिर ट्रांसलैंग्विजिक का अर्थ होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य? देखिए रचनात्मकता से तात्पर्य पूछा गया है ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, कुछ नया करने के लिए असंबद्धता घटकों को एक साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, या फिर कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षण में रचनात्मकता से तात्पर्य पूछा गया है और जिसका सही आंसर होगा ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिनमें बहुत कुछ करने की संभावना है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरी कक्षा में सदब नामक विद्यार्थी है। कौन सा नामक विद्यार्थी है? सदब नामक है ना, विद्यार्थी का नाम क्या है? सदब। उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अच्छा और हुम जैसे शब्द हैं, उसकी व्याख्या पुस्तक में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरणिक की पुस्तक में इस तरह के प्रयोग को ढूंढना चाहिए या फिर शब्दकोश देखना चाहिए। तो जब यह पुस्तक में नहीं है तो ना तो आप व्याकरण की पुस्तक में इस तरह का प्रयोग ढूंढेंगे और ना ही शब्दकोश में देखेंगे। और ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है, तो जब वो हिंदी तो दफन भी बोल लेता है, जब ये व्याकरण सॉरी जो पुस्तक में नहीं है तो वो मित्र भी क्या करेगी, क्या करना चाहिए आपको? बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण को ढूंढना चाहिए, या कह सकते हैं कि अच्छा और हुम जैसे शब्द हैं इसके प्रमाणिक प्रयोगों को ढूंढना चाहिए, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण के पाठ का चरण कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसके जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है, या फिर भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसमें विद्यार्थी अभ्यास या फिर ड्रिल कर सके। तो व्याकरण के पाठ का चरण कौन सा नहीं ये पूछा गया था और वो सही आंसर होगा भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास या फिर ड्रिल कर सके। तो ये जो व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है फोर्थ वाला, राइट आंसर आपका यही होगा। तो आज के जो 50 प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी को यहीं पर समाप्त होता है। जैसे कि हमने बताया था कि 151 से 200 तक आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलेंगे, बाकी के जो प्रश्न है वो आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जल्दी दोस्तों हम उन वीडियो को लेकर आएंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।